नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं लो ब्लड प्रेशर की दवा। तो जिन भाइयों को लो ब्लड प्रेशर है वो इस वीडियो को कायदे से देख लें और अपनी दवाएं नोट कर लें और अपना ट्रीटमेंट सिस्टम से करें। बहुत ही सस्ती दवाएं बता रहा हूँ आपको और इन्हीं दवाओं से आपकी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर भी होनी है। सो अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया है और आपका ब्लड प्रेशर वाकई लो है और आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो आप जो है इस तरीके से अपना इलाज करें, दवाएं नोट कर लें। इसमें सबसे पहली दवा हम आपको बता रहे हैं लाइकोपोडियम 30 नंबर। लाइकोपोडियम 30 नंबर उन चिड़चिड़े व्यक्तियों के लिए हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रवृत्ति है, जिनकी त्वचा पर भूरे रंग के लीवर के रंग के धब्बे हों, मिठाई खाने की तीव्र इच्छा, गुड़गुड़ की आवाज़ के साथ पेट फूलना, सायंकाल 4 बजे से 8 बजे के बीच अथवा सुबह तड़के ज़्यादा और चलने फिरने से राहत। तो ये लक्षण जो है अगर मैच कर रहे हैं तो लाइकोपोडियम 30 नंबर से ही आपका लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। दूसरी दवा बताने जा रहे हैं नेट्रम्यूल। इसमें रोगी को नमक खाने की तीव्र इच्छा होती है, गर्म सूरज में बेहोश हो जाता है। इस तरह की स्थितियां अगर आती हैं तो आपका लो ब्लड प्रेशर नेट्रम्यूल 30 नंबर से ठीक हो। चाइना ऑफिशियलिस। चाइना में चक्कर आना, बेहोश होना, दिल की एकाध धड़कन कम होना, जो भी चीज़ खाई जाती है गैस बनती है, कानों में आवाज़ें, शरीर के आवश्यक द्रवों में कमी। तो चाइना अच्छी दवा है लो ब्लड प्रेशर की। इसका क्यू भी ले सकते हैं, 6 पावर भी ले सकते हैं, 30 नंबर भी ले सकते हैं। अगर आपका लक्षण चाइना से मैच कर रहा है तो मैं कहूँगा कि 4-5 दिन पहले आप मदर टिंचर ही इसका पी लें 10-10 बूंद 3 बार और उसके बाद इसका 30 नंबर पोटेंसी खाएं और अच्छे से वर्क करेगी और आपके शरीर में ताकत भी पैदा करेगी और आपके लो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी। खून बनाती है ये दवा। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको सीपिया के बारे में। आँखों के नीचे काला काला सा धब्बा, कब्जियत, गहरे रंग के गोलों के साथ पीला सा रंग, सारे शरीर में फड़कन, खट्टी चीजों के लिए इच्छा, भारी कसरत से राहत, दोपहर को खाने के बाद एकदम खालीपन की अनुभूति, जिगर के धब्बे, अपनी जिंदगी के प्रति तथा अपने प्रियजनों के प्रति उदासीनता की भावना। बात को कायदे से समझ लें, एक दो बार वीडियो देखते जाएं आप। अगर ये लक्षण आपको मैच कर रहा है तो सीपीआर काम करेगी। खास करके महिलाओं के ब्लड प्रेशर में लो होने की कंडीशन में सीपीआर अच्छा काम करेगी, सभी को काम करेगी। महिलाओं की अच्छी दवा है, महिलाओं की और भी तकलीफें ये दूर करती है तो सीपीआर से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये दवाएँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई दवा आपको लक्षण वाली बात नहीं समझ में आती है तो आप इसको सीरियल वाइज भी ट्राई कर सकते हैं। 8-10 दवाएं हैं, 10-15 रुपए की 1 ग्राम CC ले आए भरवा करके और उसको गोली में बना बना खाएं। बस 10-12 रुपए की दवा में आपका ट्रीटमेंट होना है और इसमें आपको 6-7 दवा बता रहा हूँ टोटल। तो सीपिया के बाद हम बता रहे हैं कार्बोवेज। निम्न जीवनी शक्ति तथा पेट के ऊपरी हिस्से में अफरा, ऐसी दशा महसूस होती है लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में तो कार्बोवेज 30 नंबर प्रयोग करें। इसके बाद है ट्यूबरकुलिनम। यह उन व्यक्तियों के लिए मध्यवर्ती दवा बताई गई है जिनको स्वास्थ्य क्षय रहा हो, जिनको स्वास्थ्य क्षय रहा हो या जिनको पहले ट्यूबरकुलोसिस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो बीच में ये दवा भी वो हफ्ता 10 दिन खा सकते हैं। 30% 5-6 दिन इसको ट्राई कर सकते हैं बीच में और अगर फायदा करे तो हफ्ता भर खा लीजिए। कल्केरिया फॉस। यह दवा गिरते स्वास्थ्य व तेजी से बढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए, जिनकी उम्र बढ़ रही है और स्वास्थ्य गिर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कल्केरिया फॉस 30 नंबर बताई गई है लो ब्लड प्रेशर में। वेस्कम एल्बम। नाड़ी धीमी तथा कमजोर, रूमेटिज्म, वात तथा गठिया, न्यूरोलिजिया तथा सियाटिका, कानों में भनभनाहट तथा ऐसा लगता है कि कान बंद हो गए हैं, चक्कर आने की तकलीफ के साथ बना रहना,
छाती पर बोझ तथा दबाव महसूस होना, मानो निचोड़ा जा रहा है। मरीज लेट नहीं सकता, सर्दियों में तथा ठंडे तूफानी मौसम में ज़्यादा। वेस्कामिल्पम भी लो ब्लड प्रेशर की अच्छी दवा है, तो नोट कर लें अगर लक्षण मैच कर रहा है तो इससे ट्रीटमेंट करें। अब हम आपको लास्ट में बता रहे हैं जेलसीमियम। हृदय की धड़कन अनियमित व तेज, ऐसा लगता है कि मानो दिल धड़कना बंद कर देगा यदि मरीज इधर उधर चलेगी फिरेगी नहीं। नाड़ी सामान्य नरम तथा कमजोर, दम घुटना, फेफड़ों का लकवा, इस टाइप की कंडीशन है अगर लो ब्लड प्रेशर में तो ये दवा अच्छा काम करेगी जेलसीनियम 30 नंबर में। तो दोस्तों ये लो ब्लड प्रेशर के मरीजों की दवा बताई है मैंने, और आपको अगर अपना लक्षण नहीं मैच कर रहा है तो आप इसमें सभी दवा ट्राई कर सकते हैं, और जिस दवा से आपको लाभ मिले उसी दवा को कुछ दिन चला लें, आपकी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाएगी। और सब 10-10, 15-15 रुपए की दवाएं हैं और ये आपको निश्चित रूप से फ़ायदा करेंगी। और थोड़ा सा अपने खाने पीने पर ध्यान दें, थोड़ा सा संतुलित और पौष्टिक आहार लें, खाने में थोड़ा नमक की मात्रा बढ़ाएं, फल और सब्जियों पर जोर दें, चिंता न करें, आपका लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आज का प्रोग्राम यही ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्ते।